हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने एशियन चैंपियंस लीग का। आज यूरो लीग का कोई मैच है नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मन से तो नहीं खेलूंगा, लेकिन डीएई वर्सेस कावासाकी के बीच मैच होने वाला है 1 घंटे 16 मिनट के बाद। इस मैच की टीम आएगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। और यहाँ पर मतलब जैसे कि क्या रहता है, जैसे इफ़ यू अगर आप समझिए, जैसे अगर डे के मैचेस हैं तो यहाँ पे मैं सिंगुलर एक मैच एज अ डेमो देता हूँ। तो बात करें, आप अपनी ऑन टीम से भी खेल सकते हो। और हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। बात करूँ मैं इस मैच की, देन डीएई वर्सेस कावासाकी। तो यहाँ पे मैं कावासाकी फ्रंटियर्स के साथ हूँ, बट दोनों टीम्स ही अच्छी हैं। मतलब किसी एक को चुनना सबसे ज़्यादा बहुत सरदर्दी का काम है, क्योंकि डीएई के साथ नहीं जाऊँगा तब भी रिस्क, कावासाकी के साथ नहीं जाऊँगा तब भी रिस्क। तो मैंने डबल साइडेड टीम बनाई है, आपको भी डबल साइडेड बनानी पड़ेगी। आगे से बात करूं गोलकीपर की, देन यहां से लूंगा सी योंग योन को। तो सी योंग योन को यहां एज अ मैं नॉर्मल गोलकीपर ले रहा हूं। एक्चुअली ओपोनेंट टीम कावासाकी है, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा गोल्स करने की कोशिश कर सकती है वो टीम, जबकि ये गोलकीपर चाहे तो फायदा उठा सकता है। बात करूं डिफेंडर की, देन यहां से लूंगा एस कुरुमाया को। यहां पे जो पिछले मैच के अंदर शिंतारो कुरुमाया ने जबरदस्त क्लीन शीट मारी थी इन चार प्लेयर्स ने। एंड आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, सेकंड प्लेयर जो था वो था गाइस एक और प्लेयर जो कि है काफी ज्यादा जबरदस्त, जिसका नाम है केन नोबो। इसको नोबो के नाम से आते हैं, बट इसका होल नेम है नोबो रिजाटो। तो नाम में कुछ नहीं रखा गाइस, काम में रखे। तो ये बहुत ज़बरदस्त खेलता है। प्रीवियस मैच के अंदर पासिस ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाया था, नहीं तो और ज़्यादा पॉइंट्स होते। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है के यामामुरा। तो के यामामुरा को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज अ नॉर्मल प्लेयर। एज अ की प्लेयर तो सिर्फ हमारे पास नोबो है। आगे से बात करें मिडफील्डर की, तो यहाँ से मैं लेने वाला हूँ फर्स्ट मिडफील्डर जो कि एक ए योंग वू। अभी तक पूरे इस सीज़न के अंदर अच्छा खेल रहा है। बीजिंग के सामने भी इसने प्रीवियस मैच में 2 असिस्ट किए थे, यूएनसी के खिलाफ भी इसने 2 गोल किए थे, बट एज अ सब्स्टिट्यूट। लेकिन गोल्स तो गोल ही होते हैं गाइज। जो और आगे से बात करूँ जे ची इन भी बहुत अच्छी फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहा है। दोनों अपनी टीम के ग्रेट असिस्टर में से एक हो सकते हैं। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, द ग्रेटेस्ट प्लेयर, और जिसको आप आँख बंद करके ले सकते हो, केंटो टाचिबानाडा। केंटो टाचिबानाडा जो प्लेयर है, इसके आज के मैच के अंदर गोल करने के चांस है 70% से भी ऊपर। आपको लग रहा होगा कि मैंने 2% सेलेक्टेड प्लेयर ले लिया जिसने 18 पॉइंट्स दिए थे पिछले मैच में, लेकिन मैं पॉइंट सिलेक्शन नहीं देखता, मैं प्लेयर देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने एनालाइज में ये पता चला है कि ये प्लेयर अपनी जगह फॉर्म में आ गया तो इसको गोल करने से कोई नहीं रोक सकता, एज अ रिस्क की इसको ले लो। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, इसका नाम है टी हासेगावा। पिछले मैच के अंदर मूवमेंट पे गोल मारा था इसने आखिरी, जो कि मेरे लिए बहुत दुखदायक था। और आगे से बात करूँ स्ट्राइकर की, तो यहाँ से लूँगा नेक्स्ट प्लेयर सेसिना को। सेसिना बहुत अच्छी फॉर्म में है, हर टीम को गोल मारता है। मतलब यहाँ पे कावासाकी को भी मुश्किल आएगी, अगर कावासाकी को लग रहा है कि अगर वो क्लीन शीट मारेंगे तो ये बात थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। और एस एजर की बात करूँ, देन एजर अपनी फॉर्म में भी आ चुका है। तो दोनों के दोनों स्ट्राइकर एक से बढ़कर एक, और एजर तो आज बहुत काम आएगा। और आगे से बात करूं के चाइचन की, तो चाइचन को आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर आपने के चाइनन नहीं लिया तो आपको एक गोल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये गोल करने में कभी भी असमर्थ नहीं होता। आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन है ससीना एंड वाइस कैप्टन है चैनन। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टन के टाचिबानाडा को एज अ रिस्क, अगर सेफ जाने देन हासेगावा या एजर। तो ये रही मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।